हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। तो आज बच्चे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में काफ़ी टाइप्स डिस्कस कर चुके थे। ये अब आज मेरा इस पे 11वां लेक्चर है, ठीक है। तो काफ़ी बातें आप लोगों को मैंने सिखाया था। लास्ट क्लास मैंने बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने बाई पार्ट्स सिखाया था कि बाई पार्ट्स में किस तरीके से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पीछे के मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पीछे की वीडियो देख लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, बिकॉज इंटीग्रेशन से ही हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही डेफिनिट डिपेंड है, एंड एरिया बाउंडेड रीजन डिपेंड है, और डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड है। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से समझ के चलना होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पीछे के वीडियो देखे तो आपको ये टॉपिक आज समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर देखें तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने बाई पार्ट्स का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन नाम दे देंगे और एक फंक्शन को सेकंड नाम दे देंगे। और कैसे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, इस बात की कहानी मैंने सुनाया था आपको। तो यहां से ये जो बनेगा एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, यही हमारा बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। और ये कितना हो गया डी एक्स, एंड यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये एफ एक्स हो गया और ये इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स हो गया, और माइनस इसे एफ डैश एक्स नाम दे देंगे और ये इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। यही कहानी थी लास्ट वीडियो लेक्चर तक, इन्हीं कहानी को हमने समझा था और यही हमारा इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाई पार्ट्स के केसेस में हम इन्हीं बातों को समझते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है इसी बात पे डिपेंडेंट है, और इसी फार्मूले से ही हम लोग अपने टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसे समझ के चलना कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप से दे रखा हो तब हम क्या करेंगे। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स टाइप का दे रखा हो तब हम क्या करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, दो पार्ट में ब्रेक किए। यहां से अगर देखें देन e की पावर एफ एक्स इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर x इज अ सेकंड फंक्शन। एफ एक्स इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर x इज अ सेकंड फंक्शन। तो यहां से अगर देखें तो हमें कितना बनेगा एफ एक्स, और ये कितना हो गया e की पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये कितना हो गया e की पावर x dx e की पावर x dx, और यहां कितना हो गया dx प्लस ये कितना हो गया e की पावर x f डैश x dx। यही कहानी बनेगी, समझ रहे होगे बातों को काफी अच्छे से समझते चलना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट हमें समझना। देखो जो डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा उसे टच नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही उसे रहने देंगे, बात समझ रहे होगे। तो यहां से e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा e की पावर x एफ एक्स माइनस, यहां से एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया एफ डैश एक्स और e की पावर x और dx प्लस यहां से कितना हो गया e की पावर x एफ डैश एक्स एंड dx e की पावर x एफ डैश एक्स, ये सेम ये कैंसिल आउट। तो फाइनली इंटीग्रल हमें कितना बना e की पावर x एफ एक्स प्लस c। ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का जो आपको समझ के चलना है। आप ऊपर देख रहे होंगे इसके तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक e की पावर x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का, एक ये लिखा हुआ है ई की पावर एक्स एम एक्स एम एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स का, ई की पावर एम एक्स प्लस ई की पावर एम एक्स एफ एक्स प्लस सी, मतलब ये इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें अप्रोचेस हैं और कॉन्सेप्ट हमारा वही है, क्योंकि अभी हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये बात हमें समझ के चलना होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, क्योंकि हमें यहीं से समझ के चलना होगा। जैसे e की पावर x 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर dx, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। हम अब चाहें तो इसे कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसे, आप अगर देखो तो इसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, और इसे आप y फार्मूला भी समझ सकते हो, दोनों आप इसे कर सकते हो। e की पावर x 1 by x dx माइनस ये कितना होगा e की पावर x 1 बाय x स्क्वायर dx, यही बनेगा बच्चे। यहां से e की पावर x है और 1 बाय x है, तो 1 बाय x को फर्स्ट फंक्शन नाम दे देते हैं, e की पावर x को सेकंड फंक्शन नाम दे देते हैं, ये काम कर लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो यहां से अगर देखें तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, अगर देखें तो 1 बाय x और कितना होगा e की पावर x dx और माइनस ddx ऑफ 1 बाय x। अब ये बात समझ के चलना, ddx ऑफ 1 बाय x को x की पावर माइनस 1 लिखते हैं, तो ये माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर बनता है, कितना बनता है बच्चे, माइनस 1 बाय x स्क्वायर बनता है। ये बात आपको समझ के चलना है कि जो 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है वो माइनस 1 बाय x स्क्वायर मिलता है। ये आपको फॉर्मूले के तौर पे या कॉन्सेप्ट के तौर पे इसे माइंड में रखना है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1 बाय x स्क्वायर माइनस का बनेगा बच्चे। अब अगर देखें तो इंटीग्रेशन आप e की पावर x dx, और आपको पता है फिर इसका होल इंटीग्रेशन करते हैं, और माइनस e की पावर x 1 बाय x स्क्वायर dx, ये कहानी बनेगी जो आपको समझ के चलना है। क्लियर हो गया होगा, यहां से आगे समझ के चलना। तो यहां से अगर देखें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस, ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो प्लस, ये कितना हो गया e की पावर x 1 बाय x स्क्वायर dx माइनस, ये कितना हो गया e की पावर x 1 बाय x स्क्वायर dx, तो ये सेम सेम कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 1 बाय x e की पावर x प्लस c। ये कहानी है क्वेश्चंस को करने की, क्वेश्चंस को समझने की, आपको उस फॉर्मेट से समझना है। समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यही फॉर्मेट है क्वेश्चन को समझने का, और इसी फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई इक्वल टू e की पावर x और साइन x प्लस कॉस x। अब चाहो तो बच्चे इसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया एफ डैश एक्स, तो क्या डायरेक्ट ये फंक्शन बन रहा है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी बन रहा है, यही तो होगा। और एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो ये कितना होगा e की पावर x साइन एक्स प्लस सी। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, और पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप उससे भी इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चे, आपको एक बात समझ के चलना है कि जो भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें कौन सा टाइप लगेगा, ये आपको इंडेफिनिट में खासकर पता होना चाहिए। सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि इंडेफिनिट एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा टाइप पे डिपेंडेंट है। हर टाइप में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगनी है, उनके क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से और मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। इसी फॉर्मेट से एक क्वेश्चन है, e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x dx, 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले तो इसके अंदर के फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें e की पावर x दिखा तो हमें अंदर वाले फंक्शन को ब्रेक करना होगा, तो 2 प्लस 2 साइन x कॉस x अपॉन कितना बनेगा, यहां से अगर देखें 1 प्लस
और कितना हो गया, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और कितना हो गया डी एक्स। यहाँ वन से वन क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो गया ई की पावर एक्स, और कितना हो गया टू से कॉमन ले लिया तो वन प्लस साइन एक्स, और कितना हो गया कॉस एक्स अपॉन कितना बना कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ गए बच्चे। तो यहाँ से आई इक्वल टू अगर देखें तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया यहाँ से टैन एक्स हो गया और डी एक्स बन गया। काम सेट हो गया आपको, ये एफ एक्स हो गया और ये कितना हो गया एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो आप कहोगे सर क्या हम इसे डायरेक्ट कर लें, अब ये अगर बच्चे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ रख देना है, कोई इशू नहीं है ठीक है। लेकिन अगर आपसे एक नंबर में ना पूछ के ये कई जैसे दो नंबर या तीन नंबर में पूछा गया है तब आप इसको क्या करेंगे ये काफ़ी एक्सपैंड करके आप इसे सॉल्व करेंगे ठीक है, वो आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ठीक है। तो इसे अगर हम देखें तो ई की पावर एक्स एफ एक्स हमारा प्लस सी, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो एफ एक्स को कितना लिखेंगे टैन एक्स, तो ई की पावर एक्स टैन एक्स प्लस सी, ये हमारा डायरेक्टली इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है। इस फॉर्मेट से हम क्या करते हैं अपने इंटीग्रेशन को समझते हैं ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब मैं वो आपको सिखा रहा हूँ कि सीबीएसई ने क्या पूछा था इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। एक सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ने, आई इक्वल टू हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आई इक्वल टू ई की पावर टू एक्स वन प्लस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स और वन प्लस कॉस टू एक्स, सेम यही डिक्टो है, इसी फॉर्मेट से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई इक्वल टू यहाँ से कितना बनेगा ई की पावर टू एक्स, यहाँ से अगर आप वन को लिखें तो ये कितना बनेगा वन प्लस साइन टू एक्स है, ये वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स है ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इसे देखें तो वन प्लस कितना हो गया साइन टू एक्स, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है अपॉन यहाँ से कितना हो गया वन प्लस, तो वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, यहाँ वन से वन कैंसिल आउट हो गया तो हमें कितना हो गया ई की पावर टू एक्स और वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो गया वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स ठीक है, और प्लस वन बाई टू, टू टू कट गया तो कॉस एक्स कट गया तो कितना हो गया टैन डीएक्स, ये बना। अब यहाँ पे हमें समझ के चलना है, थोड़ा सा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा तब जाके आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व कर पाओगे ठीक है। तो अब टैन एक्स का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो हम क्या इसे दो पार्ट में अलग कर लेते हैं, इसको आपको अलग अलग करना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो e की पावर 2x यहां 1 by 2 बाहर हो जाएगा into sec square x और प्लस कितना हो गया sec dx और प्लस ये कितना हो गया e की पावर 2x और कितना हो गया tan x dx ठीक है, ये आपका बन गया। तो यहां से अगर देखें तो 1 by 2 e की पावर 2x sec square x dx। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, वैसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा, टैन एक्स डेरिवेटिव है तो टैन एक्स ई की पावर टू एक्स, और ई की पावर टैन एक्स फर्स्ट फंक्शन नाम दे देते हैं और इसे सेकंड नाम दे देते हैं, तो हमें पता है यहाँ से कितना होगा टैन एक्स ई की पावर टू एक्स, और टू एक्स का हमें इंटीग्रेशन कितना होगा इस एक्स का कोफिशेंट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और माइनस यहाँ से अगर देखोगे तो टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स अपॉन टू डी एक्स बनेगा, यही बनेगा ठीक है। यहाँ से ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखो, पूरा सेम सेम, तो ये पूरा कट जाएगा, और कटने के बाद अब हमें यहाँ से कितना बनेगा अगर देखें तो यहाँ से आई इक्वल टू हमें फाइनल आंसर कितना बनेगा, आई इक्वल टू हमें बनेगा यहाँ से वन बाई टू टैन ई की पावर 2x प्लस, ये हमें फाइनल आंसर बनेगा। तो ये अप्रोच होती है इनके क्वेश्चंस को करने का और इन्हें समझने का ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए एकदम आसानी से। तो ये फॉर्मेट मिलते हैं, इन फॉर्मेट से आपको क्या करना है क्वेश्चंस को करना है और समझना है ठीक है। अब
नेक्स्ट इंटीग्रल में आते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल हमारे लिए इसी फॉर्मेट से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई फॉर्मूले हमारे बनते हैं, ठीक है। वैसे तो फार्मूले बनते हैं बट ये फार्मूले आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो फार्मूले आपको ना याद करके इनके कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये कैसे डेरिवेट किए गए हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहला इंटीग्रेशन ले लेते हैं कि e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये बात हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहां से अगर देखें तो a की पावर x को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम a की पावर x को देखें तो यहाँ एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और हम अगर देखें तो हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता है कि एक्सपोनेंशियल हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन होगा और साइन bx कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। ये बात हम जानते हैं और हमने इस बात को क्या किया है, पढ़ा भी है। चलो इसे हम फर्स्ट फंक्शन नाम देते हैं और इसे हम सेकंड फंक्शन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसी की बात को समझें तो यहां से कितना बनेगा बच्चे, साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस यहां से साइन बी एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, डी डी एक्स आप अभी मैं रख दे रहा हूं साइन बी एक्स और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स। यहां से अगला हम देखें तो ये कितना हो गया, ई की पावर ए एक्स, e की पावर ए एक्स और x का कोफिशियंट कितना है, a है, ठीक है, साइन बी एक्स और कितना हो गया, x का कोफिशियंट a है, डिवाइड कर दिया, माइनस यहाँ से साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस बी एक्स और यहाँ से बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, b हो गया, बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, b इंटू ये कितना हो गया, e की पावर x अपॉन a डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग बात को समझें तो 1 बाय a e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस यहाँ से b बाई ए हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो ये कितना हो गया, e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये बन गया, ठीक है। कहानी अब आगे समझनी है, e की पावर ए एक्स वन बाई बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स बना, ठीक है। अब हमें इसके बाद आगे समझना है, अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो हुआ नहीं है, तो अब हम इसे अगेन फिर क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल को फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसे सेकंड नाम दे देते हैं, अभी से हम और इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से i इक्वल टू वन बाय i इक्वल टू i इक्वल टू कितना होगा, वन बाय a e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस वन बाय b ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो कितना हो गया कॉस बी एक्स, ये कितना हो गया e की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन बी एक्स अपॉन यहाँ पे इंटू कितना हो गया बी एक्स का कितना हो गया b, ठीक है, और फिर e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, चलो लिख लेते हैं अभी लिख लेते हैं अभी लिख लेते हैं क्या यही बनेगा यार, चलो आगे देखते हैं। 1 बाय ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस 1 बाय बी, ठीक है, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स और एक्स का कोफिशियंट ए है ए कर दिया कॉस बी एक्स माइनस यहाँ से माइनस माइनस यहाँ प्लस बन गया साइन बी एक्स, तो कितना हो गया यहाँ से अगर देखें तो बी तो कॉमन हो जाएगा तो बी बाहर कर लिया, तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन अगेन कितना हो गया e की पावर ax अपॉन a कितना हो गया साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बन गया साइन बी एक्स डी एक्स। यहां से i इक्वल टू कितना हो गया वन बाई ए की पावर ax साइन बी एक्स माइनस वन बाई बी e की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस यहाँ से b बाई ए कॉमन हो गया कितना हो गया e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इस b बाई ए को अंदर भेज दें तो i इक्वल टू वन बाई ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और माइनस इस 1 बाई बी को अंदर भेज दें तो 1 बाई ए बी की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स
माइनस कितना हो गया, बी बी कट गया, बी बी कट गया, तो वन बाई ए, वन बाई ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये बनेगा। ठीक है, बी बी कट गया, वन बाई ए, सही। ये क्या हमें पूरा का पूरा आई दिख रहा है, ये हमें पूरा का पूरा आई दिख रहा है, तो इधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया, आई आई प्लस वन बाई ए आई इक्वल टू कितना हो गया, वन बाई ई, वन बाई ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और माइनस वन बाई ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये बना। काफ़ी लेंदी प्रोसेस जाता है बच्चे, आपको ये दिमाग में बैठा के चलना होगा। इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आता भी है तो इनके डेरिवेशन डायरेक्टली आते हैं, तो आपको समझ के यहाँ से चलना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें कितना हो गया, वन बाई ए, तो ए हमें क्या कर दिया, आई आई वन बाई ए, तो आई आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कुछ छूट गया क्या, कुछ छोटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो e की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, साइन बी एक्स सही है, माइनस बी कॉस एक्स साइन डेरिवेटिव बी कॉस एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। देखो यहाँ से छूट गया, यहाँ से छूट गया, ये बी हो गया, अच्छा ये बी है, उल्टा हो गया, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ पे ए बाई बी कॉमन होगा, बी बाई ए कॉमन होगा, ये b बाई ए कॉमन होगा, b बाई ए करेंगे यहाँ से, उल्टा हो गया, वन बाई ए हो गया, ये b बाई ए कॉमन होगा यहाँ से, ये b बाई ए होगा, ये b बाई ए होगा, एक छोटी छोटी सी मिस्टेक, पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत कर दिया, ये बी बाई ए होगा बच्चे, ये भी बी बाई ए होगा, ये भी बी बाई ए होगा, ये भी बी बाई ए होगा, बी बाई ए होगा, बस एक टर्म से हम सही कर लेंगे। हाँ, वन बाई ए इसको अंदर भेज देंगे, तो ये काट दो, b बाई ए ए स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से माइनस का ये b बाई ए स्क्वायर ये काट दो, ठीक है, ये तुम्हारा कितना बन गया, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ से कितना हो गया, i अगर देखें तो i ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा इक्वल टू वन बाई ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये बनेगा। कहीं पे कैलकुलेशन अगर गलत हो तो उसे चेक कर लेना, कहीं वैसे गलत नहीं है। तो यहाँ से अगर देखें तो अब इस ए स्क्वायर को इधर पूरा कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो कितना बनेगा बच्चे, ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा। अब आगे ध्यान से समझ के चलना, ठीक है, यही हमारा बन गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया हमारे पास, अगर देखें तो यहाँ से ये वन बाई ए, वन बाई ए, तो वन बाई ए पहले इसी में कॉमन देख लें, ई की पावर ए एक्स कॉमन है, वन बाई ए कॉमन है, 1 बाई ए बाहर कर लिया, e की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया साइन बी एक्स माइनस, यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है हमें, 1 बाई ए बाहर किया तो b बाई ए कॉस बी एक्स, यही कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब a को अगर देखें तो 1 बाई ए, सॉरी 1 बाई ए बाहर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये a कट जाएगा, तो इस a को अंदर भेज दें तो 1 अपॉन e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है,
ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना एक ए, हमने क्या कर दिया इसे काट दिया, तो एक ए बचा, तो ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस फॉर्मेट से हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले को समझना है। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन में देखो तो क्या हमें यही लाना था, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी, यही हमें फाइनल इसके इंटीग्रेशन में लाना था। क्या हम वही लेके आ गए हैं? ठीक है, अब देखो बच्चे, इसे आप एज अ फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा के रखते हो, आप अगर देखोगे तो इसे आप एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। एज अ फॉर्मूला इसे याद करके आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको इसे पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेरी बात को समझना, अगर हम देखें तो इसी से रिलेटेड e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का भी है, इसी फॉर्मेट से आप इसका भी पूरा का पूरा डेरिवेशन है। आप इसे घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना बच्चे, एक बार इसे फर्स्ट इसे सेकंड नाम दे देंगे, आसानी से ये भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कॉस में एक क्वेश्चन सिखाता हूँ और क्वेश्चन से मैं इस टाइप को भी आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन से कैसे इस टाइप को हम करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, सेकेंड वैसे टाइप तो हमें मिलता है ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, यही मिलता है। लेकिन अब मैं इसके एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को समझना है। जैसे ई की पावर एक्स कॉस 2x डी एक्स, ये मान लेते हैं दिया है। ठीक है, अब समझना बच्चे, इसे क्या नाम दे दिया फर्स्ट, इसे क्या नाम दे दिया सेकेंड, तो आई इक्वल टू कितना बन गया, कॉस बी एक्स कॉस 2x और e की पावर एक्स डी एक्स, और माइनस यहां से अगर देखें तो कॉस 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2x, और यहां कितना हो गया 2 हो गया, माइनस का साइन 2x 2 हो गया। ठीक है, अब e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e की पावर एक्स डीएक्स हो गया, e की पावर एक्स डीएक्स हो गया, तो यहां से e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e की पावर एक्स कॉस 2x। ठीक है, माइनस जे माइनस को इधर ले लिया तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 और कितना हो गया, ई की पावर एक्स साइन 2x डीएक्स, यही बनेगा। यहां से अगर देखें तो फिर आपको काम क्या करना है, साइन 2x को फर्स्ट फंक्शन और इसे क्या नाम दे देना है, सेकंड फंक्शन नाम दे देना है, यही काम करना है आपको। तो यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया, ई की पावर एक्स कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x, कितना हो गया साइन 2x, ई की पावर एक्स, ठीक है, e की पावर एक्स माइनस यहां से साइन 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 कॉस 2x और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डीएक्स। तो यहां अगर हम देखें तो कितना हो गया, e की पावर एक्स कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, e की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2, ये कितना हो गया, e की पावर एक्स e की पावर एक्स कॉस 2x डीएक्स, ये बन गया। ये हमारा बन गया। तो यहां से अगर देखें तो कितना हो गया, e की पावर एक्स कॉस 2x प्लस 2 को अंदर भेज दिया तो 2 e की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 टू जब 4 e की पावर एक्स कॉस 2x डीएक्स, और ये कितना हो गया i, ये कितना हो गया i, कितना हो गया 4i, तो 5i इक्वल टू कितना हो गया है, e की पावर एक्स कॉस 2x प्लस 2 e की पावर एक्स साइन 2x, और i इक्वल टू कितना हो गया 1/5 e की पावर एक्स कॉस 2x माइनस 2 e की पावर एक्स साइन 2x और प्लस, ये पूरा का पूरा आपको समझ के चलना है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चन हमें मिलते हैं एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने, इसके क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा कि इसके क्वेश्चन हमें किस फॉर्मेट से मिलेंगे और इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना है। ठीक है,
तो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक। तो इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस को करना है, समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझ पाओगे तो टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप के इंटीग्रेशन को सिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और किस तरीके से आपको इसके इंटीग्रेशन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टाइप को डिस्कशन करेंगे कि आगे हमें और कौन से बाई पार्ट्स के कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ये समझ के चलो, वैसे तो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इसका लास्ट टॉपिक होगा बाई पार्ट्स का, ठीक है। आपको जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये समझेंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे समझते हैं। ये तीन के इंटीग्रेशन को समझेंगे, इनके डेरिवेशन को समझेंगे, इनके फॉर्मूले को समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। फिर इन्हीं से रिलेटेड आपको बच्चे पता होना चाहिए कि एक हमारा टाइप बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप को भी हम इसी से समझेंगे और इसके भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं के बारे में। तब तक आप क्या करो, ये सारे वीडियोस देख के आप अच्छे से नोट बना के आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे एक एक क्वेश्चन को देखो। आप बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो आपके एक एक क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो ओके, बाय, टेक केयर।